अगर आप भी विराट कोहली को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला कुछ दिनों में होने वाला और इस महामुकाबले के लिए पूरा क्रिकेट जगत दो भागों में बढ़ चुका है। जी हां दोस्तों, इस महामुकाबले के लिए मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने भविष्यवाणी कर दी और इस भविष्यवाणी में ऐसी टीम को विजेता बताया है जिसको सुनकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों का खून खौल उठेगा। आखिरकार एबी डिविलियर्स ने किस टीम को विजेता घोषित किया है, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बाबर आजम और विराट कोहली में से कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको बताइए, भारतीय महिला टीम एशिया कप का टूर्नामेंट खेल रही है जहां पर एशिया कप के महामुकाबले में पाकिस्तान की टीम को जीत मिल गई है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की टीम को 13 रनों से जीत दर्ज करने का मौका मिला है। दूसरी तरफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है जिसके लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहुंच चुकी है। हालांकि भारतीय टीम को अपना पहला मुकाबला 15 दिन के बाद खेलना है, लेकिन अभी से ही भारतीय टीम पूरी तैयारी कर चुकी है और जहां भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के मेन मुकाबलों से पहले 4 अभ्यास मुकाबले खेलने हैं, तो वहीं भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 23 अक्टूबर को होगा और इस महामुकाबले के लिए एबी डिविलियर्स ने भविष्यवाणी कर दी है। जी हां दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों मजबूत टीम है, ऐसे में यह कहना बिल्कुल ही कठिन है कि कौन सी टीम विजेता होगी। तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और इस मुकाबले में आखिरकार पता लग जाएगा कि आज की स्थिति में भारत और पाकिस्तान में से कौन मजबूत टीम है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस बार भी हार की दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पिछली बार की तरह इस बार भी गेंदबाजों का दबदबा रहने वाला है। लेकिन चोट की समस्या पिछली बार की तरह इस बार दिखाई नहीं देगी, परंतु फिर भी भारतीय टीम के बल्लेबाज पहले की तरह इस मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम के बल्लेबाज के साथ साथ पाकिस्तान के बल्लेबाज भी बेहतर प्रदर्शन करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन भारत को टीम फिर भी पाकिस्तान से मजबूत दिखाई दे रही है और पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के सामने भारतीय खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एक और रोमांचक जीत दर्ज कर एशिया कप का बदला यहां पूरा करेंगे। इसके अलावा डिविलियर्स ने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम यहां पर ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाज फॉर्म में नहीं है, ऐसे में भारतीय टीम काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर किसी भी कारण से बेकार प्रदर्शन करते हैं तो भारत को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और भारतीय टीम के अगर किसी एक खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन कर दिया तो भारतीय टीम इस मुकाबले को आराम से जीत जाएगी। और भारत की टीम वैसे तो पाकिस्तान में कमजोर है, लेकिन मैं भारत को सपोर्ट करते हुए भारत को ही इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करते हुए देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और भारत के महामुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।